कुछ कह रहे हैं? कह रहे हैं बैटरी कभी भी ना उतना नीचे मत लाना, किसी और के चार्जर से चार्ज में बैटरी चली जाती है, दिक्कत रहती है। तो हेलो जी, नमस्ते, क्या हाल चाल। मेरा नाम अक्षय एंड वेलकम टू ऑथेंटिक अक्षय व्लॉग्स। आज का ये व्लॉग होने वाला है ओला की सर्विस के रिगार्डिंग। अभी एक हफ्ते पहले मेरे ओला का जो चार्जर है वो गर्म होके फूक गया, उसका आगे से कुछ मेम्ब्रेन जल गया, आई डोंट नो कि उसमें क्या हुआ। तो मैं उसको सर्विस सेंटर लेके गया एक हफ्ते पहले, तो उन्होंने मुझे 2 दिन का टाइम बोला, बट अभी 3 से 4 दिन से वो मेरा कॉल नहीं उठा रहे हैं। 2 दिन हो गए थे क्योंकि, तो अभी मैं जाके, अभी मेरे पास कॉल आया उनके हेड ऑफिस से कि आपका जो चार्जर का मेम्ब्रेन जो भी पार्ट था वो आ चुका है और आप अपना चार्जर लेके आ जाइए और वो ठीक करवा लीजिए। फिर उसके बाद दोबारा सर्विस सेंटर से कॉल आया कि आप ऐसे ऐसे करके ले आइए और ठीक करवा लीजिए। तो अब हम जा रहे हैं, अब आपको दिखाऊंगा मैं, आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि ओला की सर्विस कैसी है, कितना टाइम लगता है अगर आपकी ओला खराब हो जाती है या कोई भी पार्ट खराब हो जाता है आने में, तो कितना टाइम लगता है, और दिखाऊंगा ओला की सर्विस। और इस पूरे ब्लॉग में आपको सर्विस एक्सपीरियंस मिलने वाला है, तो हम कह सकते हैं ये ओला का सर्विस एक्सपीरियंस ब्लॉग है। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में बताना कौन सी ओला आप परचेज करने का सोच रहे हैं। और बस इतना ही, देखते हैं क्या होता है आगे। बट दिक्कत अभी एक और भी है, हमारी जो ओला थी ना उसमें चार्जिंग नहीं थी। मैं देखने वाला हूँ कितनी चार्जिंग है बीच के अंदर, उसमें 9% चार्जिंग थी। ऑन भी है या नहीं है? ले भाई, ये तो ऑन ही नहीं है, ओला ओला आगे लिखा हुआ। तो फाइनली ऑन तो हुई है और 4% बैटरी दिखा रहा है, 1% रेंज दिखा रहा है। मतलब मैंने 5 दिन से नहीं चलाई, जब मैंने छोड़ी थी तो इसके अंदर 9% बैटरी थी और 9 किलोमीटर की ही रेंज थी। तो सिंपल सी चीज़ है कि इसके अंदर अभी हम ओला पे तो नहीं जा सकते, तो हमें जावा पे ही जाना पड़ेगा। और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या दिक्कत हुई थी इसके अंदर। तो इसके अंदर ना जो इसके चार्जर है ये देखो, ये गर्म होके ये हालत हो गई थी इसकी, समझ पा रहे हैं। तो अभी जावा पे चलते हैं, अभी इसको बैग में लेके जाना पड़ेगा। इसके अंदर तो सिर्फ 1% है और लगभग हमें 7-8 किलोमीटर जाना। तो चलते हैं, तो चार्जर को बैग में डाल के। तो भाई चार्जर रख लिया है और ठीक है, बारिश शुरू हो गई है और मैं निकला ही था और ये देखना शुरू हो गया हूँ। देखो बारिश हो रही है यार, 5 मिनट पहले बिल्कुल धूप आ रखी थी यार, एकदम से बारिश। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं ओला के शोरूम में और अंदर जाके देखते हैं कि कितना टाइम लगता है चार्जर ठीक होने में। ये पैट है ना वाइट वाइट से जो ऊपर का है बोर्ड पूरा। कुछ कह रहे हैं? कह रहे हैं बैटरी कभी भी ना उतना नीचे मत लाना, किसी और के चार्जर से चार्ज में बैटरी चली जाती है, दिक्कत रहती है। अच्छा अच्छा, असल में कई बार अगर लॉन्ग ट्रिप होती है तब तो फिर डाउन आ ही जाती है बैटरी। मान लो मैं सहारनपुर जा रहा हूँ तो फिर 70-75 किलोमीटर है तो डाउन हो जाती है बैटरी, ऐसे क्या डाउन होनी नहीं चाहिए क्या? लाइट तो आ रही है उसमें, लाइट
इतनी देर वेट करने के बाद भी लाइट अभी तक नहीं आई थी और चार्जर हमारा चेक नहीं हुआ था, तो मैं देखने लगा कि यहाँ पे एक ओला S1X खड़ी है 4 kW पे। इसकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा पूरा का पूरा, बट मैंने फिर इनको बोला यार बहुत 1.5 घंटा हो गया था वेट करते करते कि यार मैं अब जा रहा हूँ यहाँ से, और क्या बोलते हैं अगर इसका चार्जर ख़राब होगा तो मैं आपको फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दूंगा कि ये ठीक नहीं है, इसको क्लोज मत करना कंप्लेन को वरना आप इसको क्लोज कर देना, और ये कह के मैं यहाँ से चल पड़ा। हम निकल रहे हैं यहाँ से अपना चार्जर लेके, लाइट आने रही थी बहुत देर होगा वेट करते करते, तो अभी मैं निकल रहा हूँ और घर जाके आपको दिखाऊंगा कि चार्जर ठीक हुआ है या नहीं। अभी अभी पता ही नहीं है कि चार्जर ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है मैं आपको घर जाके दिखाता हूँ जो भी होता है। फिर निकाल लिए और हम चल रहे हैं, यहाँ से बारिश हो रही है, वो मौसम हो रहा है चक्की और हम निकल रहे हैं। तो गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ओला का एक्सपीरियंस जो सर्विस का था वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो स्टाफ था वो काफ़ी कोऑपरेटिव था और एक हफ्ते में उन्होंने मेरा चार्जर बिल्कुल ठीक करके दे दिया मुझे। बट ये था कि जो बंदे को मैं फ़ोन कर रहा था वो आउट ऑफ स्टेशन था, इस वजह से वो फ़ोन नहीं उठा पा रहा था, तो ये तो सबके साथ हो सकता है गाइज। तो बाकी ओवरऑल मुझे एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा। तो गाइज मैं तो रास्ते में आता था भीग गया था, बस नहा के कपड़े चेंज किए हैं और ये है अपनी ओला का चार्जर, और चार्जर एकदम ठीक कर दिया उन लोगों ने और सही से चार्ज कर रहा है, मैंने चार्ज करके देखा। और मैं अभी इसकी वायर जस्ट लंबी कर रहा हूँ क्योंकि इस रूम से वहाँ तक जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है, तो कहीं पे भी फिर ये प्रॉब्लम करेगा नहीं, तो मैं इसकी परमानेंट वायर जो है लंबी कर दूँगा, तो उससे क्या है कि दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बताना कमेंट सेक्शन में आपको ओला इलेक्ट्रिक कैसी लगती है, और अगर आप परचेज करने वाले हैं तो कौन सी परचेज करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ नाइस डे।